ऑल राइट सो गाइस, बीच में दो तीन दिन ब्लॉग्स नहीं आ पाए, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि घर पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे बिजी हो गया था एंड ऑफ कोर्स वीडियो नहीं बना पाया था। एंड या काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ये समझ में कि डेली ब्लॉग्स क्या होते हैं। आसान शब्दों में ये है कि एक बंदे के लाइफ में जो भी चल रहा होता है वो उसको एक वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करके अपने ऑडियंस तक पहुँचाते, तो उसको कहते हैं डेली ब्लॉगिंग। एंड ऑफ कोर्स मेरा लाइफ इतना हैपनिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है वीडियोस, बट काम चला लो, इसी से आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ज़रूर आएंगे। कोशिश पूरी है कि आप लोगों को अच्छे और क्वालिटी वीडियोस देने की। सो या अभी के लिए इतना रखते हैं इंट्रो के लिए, सो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। फॉर दोस यू डोंट नो मी, आई एम सुधांश, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। ऑल राइट सो गाइस, आज सुबह के वर्कआउट के बारे में बात करें तो वो मैंने कर दिया स्किप, क्योंकि मुझे आज करने हैं ढेर सारे काम, विच इज़ सबसे पहला मुझे करवाना है अपने स्कूटर का इंश्योरेंस रिन्यू। फर्स्ट काम था वो हो चुका है, विच वॉज हम लोग का स्कूटर का इंश्योरेंस रिन्यू करवाना। थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी वो ये थी कि मेरे पास जो पुराना इंश्योरेंस पेपर था वो नहीं था, क्योंकि पेपर पुलिस वालों ने ले लिया था ड्यू टू सम रीजन, बट थैंकफुली उन्होंने कहा कि अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलते अभी हम लोगों के दूसरे काम की तरफ, विच इज़ स्कूटर का रियर टायर चेंज करवाना है, क्योंकि स्कूटर चल चुका है 15,000 किलोमीटर्स एंड हमें समवॉट 10,000 किलोमीटर पे स्कूटर का टायर चेंज करवाना पड़ता है। बट एनीवेज जो भी है अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो पीछे बादल काले हो चुके हैं एंड बहुत ज़ोरदार बारिश आने वाली ऐसा लगता है, बट लेट्स होप कि बारिश ना हो तो हम लोग का काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारे साथ है आज यासर, जो कि अपना क्लास कर रहा है अभी यहाँ पे। हमारे पंटर दावा और सिद्धार्थ उन लोग नहीं आ पाए, क्योंकि सिद्धार्थ का तबीयत ख़राब है और दावा कुछ काम था, तो आज हमें कंपनी देगा यासर एंड जितने भी सिनेमैटिक शॉट्स रहेंगे वही लेगा। ओके तो गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़ोरदार अचानक से बारिश स्टार्ट हुई, बट एनीवेज थैंकफुली यहाँ पे एक शेड मिल गया हमें, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, देखते बारिश जैसे धीमे हो जाता है फिर हम लोग चलते हैं। एंड या अभी हम लोग जा रहे हैं वेलिंगटन, जहाँ पे टायर्स वगैरह मिलते हैं एंड स्कूटर या फिर टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर के जितने भी काम वगैरह होते हैं सब वहाँ पे हो जाते हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे वहीं पर एंड फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। होपफुली बारिश जल्दी रुक जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले वाले मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को ज़रूर से पता है मेरा और बारिश का किस का आंकड़ा है, जब जब ब्लॉग करने निकलो लिटरली तब तब बारिश होता है। बट एनीवेज राइट नाउ वी आर स्टक हियर एंड फिर आप लोगों को जाके मिलते हैं ब्लॉग। चाबी निकाल, भाग इधर से, जल्दी आ जल्दी आ, इधर आना, इधर चल, भागो भागो। पूरा भीग गया भाई। अभी हम लोग यहाँ पे थे जहाँ पे ये आदमी है, अभी उधर से हम लोग पूरा भाग के यहाँ पे बारिश हो गई है चालू और हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड ब्राइटनेस, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का फिर से।
फिटिंग करवा लिया जिससे आप लोगों ने वीडियो में देखा। एंड साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ जो टायर हम लोगों ने लिया वो है रैल्को स्पीड ब्लास्टर विच इज 120/70। साथ हम लोगों ने लिया एक इंजन ऑयल विच इज मोटूल 40 LE, इसका पड़ा हमें 300 rupees। एंड टायर का हमें कॉस्ट पड़ा 800 rupees। तो या इतना ही कुछ बताना था। एंड ऑफकोर्स थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोग आए थे वेलिंगटन, एंड वेलिंगटन में मेरा एक फ्रेंड रहता है बहुत ही अच्छा, तो उससे हम लोग मिले, थोड़ा बहुत बातचीत किए, तो उसकी वजह से लेट हो गया। एनीवेज तो हम लोग जाएंगे घर, घर जाने के बाद मैं जाऊँगा जिम। तो या अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलते हैं जिम एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं।